और सेकंड जो बी टीम है तो बी टीम के वोट देकर हम लोग अपना वोट खराब करें, जनता समझ चुकी है और बीजेपी का खेल खत्म हो गया। हमारी जो महागठबंधन की जो एकता है, मनोज कुशवाहा जी उनकी जीत को सुनिश्चित देखते हुए बीजेपी जो है हताशा और बेचैन है। और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के जोड़ी को यहाँ की जनता ने पूरा स्वीकार किया है, दिल से स्वीकार किया है और एक तरफा वोट जो है लोगों ने यहाँ मन बना चुका है, यहाँ एक तरफा वोट महागठबंधन को मिल रहा है। अभी हम कुड्डी विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर जो है महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा, उनके समर्थन में आज एक बड़ा जनसभा किया गया था। इस जनसभा में महागठबंधन के तमाम बड़े नेतागण मौजूद थे। ऐसे में अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ हमारे साथ हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा साहब जी हैं, उनके साथ हम बात करेंगे कि सर जिस तरह से आज कुडनी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो रणनीति तैयार की जा रही है उस रणनीति के बारे में सर से जानना चाहेंगे कि सर इस बार जो यहाँ कुडनी विधानसभा चुनाव हो रहा है इसको लेकर के महागठबंधन की ओर से जिस तरह के अभी जो वादे किए गए थे उस पर कितना मैंने काम हो रहा है और किस तरह से लग रहा है कि मनोज कुशवाहा को आप लोग जीत दिलाने में सफल हो पाएंगे। देखिए कुडनी विधानसभा क्षेत्र के जनता ने मन बना लिया है, यहाँ महागठबंधन को ऐतिहासिक जीत होगी और यहाँ जो हमारे अभी उपचुनाव में बहुत जोर शोर पर प्रचार प्रसार कार्य चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी समेत बड़े तमाम जो हमारे महागठबंधन घटक दल के जो लीडर हैं सभी लोग आए थे और सब लोग ने उन्हें यहाँ का लोगों का स्नेह प्यार और समर्थन अपार मिला है और हमें पूरा विश्वास है कि जो यहाँ का जो जनता है ये यहाँ का जनता जो जनमत है स्पष्ट और साकार पूरा मजबूत जनमत यहाँ का देने का काम करेगी। जो 2024 लोकसभा चुनाव का ये संकेत मिलेगा यहाँ से, यहाँ हमारे जो उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा जी वो ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। सर यहाँ पे एक बार फिर देखने को आ रहा है गोपालगंज वाली मामला कि एक बार ओवैसी फिर यहाँ पे एक उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं तो ऐसे में क्या ओवैसी फैक्टर होंगे? ऐसे तो हम लोगों ने जो अभी पूरे कुडनी विधानसभा का कई इलाकों का भ्रमण किया है तो कई जगह से लोगों से जो बात किया है तो उन लोगों का जो रुझान है उन लोगों का कहना है कि अब कोई ओवैसी यहाँ फैक्टर है नहीं, क्योंकि ओवैसी के फैक्टर का अगर बात करते हैं तो उन्होंने का साफ कहना था कि वो बीजेपी की बी पार्टी है और बीजेपी के लिए ही वो अपने उम्मीदवार उतारे, तो ऐसे में अब यहाँ जो ओवैसी के खिलाफ की रणनीति होगी वो किस तरह से आप लोग तय कर रहे हैं? कोई यहाँ ओवैसी फैक्टर नहीं, सब लोग यहाँ के मतदाता को मालूम है कि बीजेपी का वो सेकेंड बी टीम है और सेकेंड जो बी टीम है तो बी टीम के वोट देकर हम लोग अपना वोट खराब करें, जनता समझ चुकी है और बीजेपी का खेल खत्म हो गया। हमारी जो महागठबंधन की जो एकता है और चट्टानी एकता को देखते हुए जो हमारे महागठबंधन के जो उम्मीदवार है मनोज कुशवाहा जी उनकी जीत को सुनिश्चित देखते हुए बीजेपी जो है हताशा और बेचैन है। सर मुकेश सहनी भी मैदान में आ गए हैं, ऐसे में उनके उम्मीदवार से किनको फ़ायदा होगा किनको नुकसान होगा? नहीं नहीं यहाँ कोई किसी से हमारी लड़ाई नहीं, यहाँ की मैंने कहा कि यहाँ तो हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के जोड़ी को यहाँ की जनता ने पूरा स्वीकार किया है, दिल से स्वीकार किया है और एक तरफा वोट जो है लोगों ने यहाँ मन बना चुका है, यहाँ एक तरफा वोट महागठबंधन को मिल रहा है। एक सर आप भी बता दीजिए कि लगभग कितने का आंकड़ा पार करेगी और कितना बहुमत जो है कि कितने का? मैंने कहा ना कि ऐतिहासिक जीत होगी, मैंने कहा कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूटेगा, बिल्कुल ऐतिहासिक जीत होगी और पूरा जनता यहाँ का मन बना चुका है। कैमरा पर्सन हीरा के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, IVTV कुडनी। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ, घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।